आप ऐसे कोर्टरूम के बाहर वॉकशॉप कर रही हो, यू नो व्हाट, आपको अंदर चलना चाहिए। अंदर बैठोगी, सुनोगी, तभी तो पता लगेगा कि उसने क्यों किया, क्या किया, कैसे किया। अब आई एम सॉरी, उसने मतलब आपके सो कॉल्ड भाई राजवी। वो तो मैं देख ही रही हूँ कि मेरा सो कॉल्ड भाई क्या कर रहा है। शौर्य भाई, व्हाट डू यू मीन? तुम राजवीर के मासी से मिलने उनके घर गए थे क्या? मैं और राजवीर की मासी से मैं क्यों मिलूंगा? वो मेरी माँ है या मासी है जो मैं उनसे मिलने जाऊंगा? लुक, मैं घर पे था और मैं घर से डायरेक्ट यहाँ आया हूँ। शौर्य प्लीज बातों को उलझाओ मत, मैं आज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं रोके वाले दिन की बात कर रही हूँ। उस दिन तुम राजवीर की मासी से मिलने गए थे कि नहीं? हर एक ह्यूमिलिएशन, हर एक इंसल्ट, हर एक थप्पड़ का जवाब है ये राजवीर। गया था, कैसा अजीब सा सवाल है आपका कि मैं गया था कि नहीं। आपको अभी तो बताया मैंने कि मेरी वो क्या लगती हैं, मैं क्यों जाऊंगा उनसे मिलने। आप मेरी सिस्टर हो इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं आपके रुके के दिन ऑफिस के काम में ऑफिस में ही बिजी था और दिन भर ऑफिस का काम कर रहा था। आपको मेरा यकीन नहीं है तो आप ऑफिस जाकर सीसीटीवी चेक कर सकती हैं। शौर्य, आर यू श्योर? आई एम श्योर केडी, बट लगता है आप श्योर नहीं हो, इसीलिए कह रहा हूं प्लीज आप जाकर ना सीसीटीवी चेक कर लेना। अपने भाई पर शक कर रही हो काव्या? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? वो राजवीर, वो कल का आया लड़का तुम्हारे भाई से बढ़कर हो गया? ये तुम्हारा ब्लड रिलेशन है, तुम्हारा सगा भाई है ये। तुम उसके की हुई गलती का इल्जाम शौर्य पर लगाना चाहती हो, इसकी लाइफ खराब करना चाहती हो? वो राजवीर, वो लगता क्या है तुम्हारा? हाँ, क्यों कर रही हो ऐसा? भाई से बात कर रही थी मैं। बेटा है वो मेरा, तुम्हारा भाई बाद में, और एक माँ होने के नाते आई बेग ऑफ यू, तुम्हें अपने भाई की कोई फिक्र नहीं है ना? अपने भाई पे इल्जाम लगाना चाहती हो, अपने भाई की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो, मेरे बेटे की लाइफ खराब मत करो। जो गलती राजवीर ने की है उसकी सजा मेरे बेटे को मत दिलाओ, मेरे शौर्य के साथ ऐसा मत करो प्लीज। मैं कुछ नहीं कर रही शौर्य के साथ, तो बस एक छोटी सी बात जानने की कोशिश कर रही हूँ। क्या जानना चाहती हो? यही कि वो उस दिन राजवीर की मासी के घर गया था कि नहीं गया था। ओ गॉड, कोर्ट हो तुम? कोर्ट का काम कोर्ट को करने दो ना, तुम हमारी फैमिली हो ना, ये भाई है ना तुम्हारा। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर तुम शौर्य के साथ कुछ गलत करोगी तो उसका असर पूरी लूथरा फैमिली पर आएगा, सबका फ्यूचर, सबकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। क्यों बेवजह इसके पीछे पड़ी हो, क्यों उसकी लाइफ खराब करना चाहती हो? अरे जहां कुछ है ही नहीं वहां क्या ढूंढ रही हो तुम? एनीवेज बेटा, इसका ना दिमाग खराब हो गया, तू चल। एक बात और काव्या, तुम भले ही बहन का फर्ज भूल रही हो पर मैं मां का फर्ज नहीं भूलूंगी। मैंने आज तक किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ा, आज तुम्हारे सामने जोड़ती हूं। मेरे बेटे के साथ ऐसा मत करो। नहीं मॉम प्लीज, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या करूं बेटा, इसने तो जिद पकड़ के रखी है कि तेरी लाइफ बर्बाद करके ही मानेगी। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती, इतनी गिरी हुई भी नहीं हूं मैं। अगर शौर्य ने कुछ गलत नहीं किया है तो उसे सजा नहीं मिलेगी, मैं उसकी लाइफ क्यों स्पॉइल करूंगी? वैसे भी चाहे शौर्य जीते चाहे राजवीर, मेरी तो दोनों ही तरफ से हार है ना, क्योंकि दोनों ही मेरे पास।